बीते बृहस्पतिवार की देर रात खटीमा के सीमांत सुरई वन रेंज में स्थित बाबा भारामल धाम में हुए हत्याकांड में प्राण गंवाने वाले धाम के मुख्य सेवादार स्वर्गीय महंत बाबा हरिगिरि के पार्थिव शरीर को आज पोस्टमार्टम के बाद खटीमा मुख्य नगर में स्थित निर्माण बाबा कुटिया में दर्शन हेतु रखा गया, जहां विशाल जन समूह एवं जनप्रतिनिधियों ने बाबा के अंतिम दर्शन किए, जिसके उपरांत यहां से विशाल जन समूह की उपस्थिति में महंत बाबा हरिगिरि की अंतिम यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए सुदूर सुरई वन क्षेत्र में स्थित बाबा भारामल धाम ले जाई गई, जहां जूना अखाड़ा परिषद के महंत एवं साधु संतों की देखरेख में स्वर्गीय महंत बाबा हरिगिरि को उनकी इच्छा अनुरूप समाधि दी गई। इस अवसर पर मौके पर उपस्थित संत समाज ने प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन से महंत बाबा हरिगिरि के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर न्याय दिलाए जाने की मांग की। कार्यक्रम में उपस्थित चुनाव अखाड़ा के नागा साधु ने चेतावनी भरे लहजे में प्रशासन से एक हफ्ते के भीतर अपराधियों को पकड़े जाने की मांग की है। वहीं मौके पर उपस्थित खटीमा के उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। महंत बाबा हरिगिरि जी की अंतिम यात्रा एवं पूरे कार्यक्रम के आयोजन का प्रबंध प्रशासन द्वारा कराया गया है। वहीं मौके पर उपस्थित जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने मीडिया को जानकारी दी है, बताया कि स्वर्गीय महंत बाबा श्री हरिगिरि की अंतिम यात्रा से लेकर समाधि तक सब कार्य जूना अखाड़ा के साधु संतों की उपस्थिति एवं स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुरूप किया गया है। वही मीडिया द्वारा हत्याकांड के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, जिसके आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। मुजरिमों को सजा मिले, हमारी तो यहाँ अखाड़े की तरफ से, साधु संतों की तरफ से यही है कि कानून की तरफ से हमें मदद मिले और मुजरिम पकड़े जाए। यही चाहते हैं, मुजरिम पकड़े जाए, हमारे मुजरिम चाहते हैं। हमें सरकार से और खटीमा वालों से निवेदन है, ये है कि हाथ जोड़ के हमारे को इंसाफ चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं सरकार को, उसके बाद नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हम सारे नागा बाबा रोड पे उतर जाएंगे, रोड जाम करेंगे, चाहे मरे चाहे मारे। यही हमारा एक है। हरिगिरि महाराज की जय। हरिगिरि महाराज की जय। हरिगिरि महाराज की। पूरी व्यवस्था करी हुई थी और बाबा हरिगिरि महाराज जो लीन हो गए हैं आज यहाँ पर, उनका समाधि अभी यहाँ पर उनको समाधि दे दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी अपनी श्रद्धांजलि उनको व्यक्त की गई है, पुष्प चक्र उनका भेंट किया गया है और उनको संवेदना व्यक्त की गई है सारे संत समाज को कि इनकी जो अकाल मृत्यु हुई है, तो हम सब तहसील परिवार भी उनकी इस असामयिक मृत्यु में बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और आज उनको बंधन कर देगा सारी स्थितियाँ काम होना जी। आज जो महंत जी हमारे बारामल के महंत जी है जिनका देहांत हो गया है, तो बड़े ही दुखद घटना है। पूरा खटीमा, टनकपुर और मझोला और आपका झनकैया थाना क्षेत्र, आसपास के सभी जगह से हज़ारों यात्री और भक्तालु यहाँ पे आए हैं। उनका पूरा सम्मान के साथ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हम सब लोगों ने हमारे मौजूदगी में हम भी हमारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरा एक प्रोसेशन आया, जिसको यात्रा बोलते हैं, अंतिम यात्रा, जिसमें हज़ारों खटीमा के निवासियों ने अपना सम्मान दिया और अंतिम सम्मान जो होते हैं सम्मान दिया, उसके बाद श्रद्धांजलि दिया और यात्रा के रूप में यहाँ तक आई और यहाँ जूना अखाड़ा के महंतों ने अपने रीति रिवाजों के साथ, हम लोगों ने भी हमारे रीति रिवाज के साथ बाबा जी के इच्छा अनुसार उनको गुफा के रूप में उनको मतलब एक तरीके से समाधि दिया है। इष्ट समाधि बोलते हैं उसको। देर रात्रि को हुआ है और बताना चाहूँगा पोस्टमार्टम में पैनल विद वीडियोग्राफी हुआ है, तो दो डॉक्टरों की पैनल रहती है, तो उनका दोनों का सिग्नेचर होकर रिपोर्ट अभी आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा आपको बता दूँगा।